हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनी जसवाल ब्लॉग्स। आज मैं आपको हमारे यहाँ से वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू हुई है, तो आज उसका फर्स्ट डे है जो अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन पे वो आएगी। तो मैं आज आपको वहाँ पे जाके उसका पूरा ब्लॉग, क्या क्या उसमें किराए हैं, कहाँ कहाँ से जाएगी, कैसे है, कैसे अंदर सीट्स हैं, वो मैं सारा आपको दिखाऊँगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हर तरह की, हर प्रकार के नई नई जगहें, नई नई चीज़ें आपको इसमें दिखने के लिए मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और चलो चलते हैं, ले चलते हैं आपको अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन पर। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन, अम्ब में, हिमाचल प्रदेश में। तो आप अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ वंदे भारत ट्रेन आज आ चुकी है अम्ब में, ये इसका फर्स्ट ट्रिप है। तो आज दिखाते हैं आपको इसके बीच में क्या क्या है और कैसे कैसे सीट्स हैं, कैसे जो भी है वो आपको दिखाते हैं सारा। चलो चलते हैं। स्टेशन यहाँ से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन है ये, तो ये देख सकते हैं आप नई ट्रेन जो आ चुकी है। तो ये डोर्स हैं इसमें और ये डोर हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक है, जैसे आप चढ़ेंगे वैसे ओपन और क्लोज हो जाएंगे। तो ये सीट्स हैं इसमें, काफ़ी कंफर्टेबल हो, यहाँ पे आप बैठ के कुछ भी खाना पीना है या कुछ भी कर सकते हैं आप, फुली एसी। तो ये आप इसमें वॉशरूम की फैसिलिटी है। काफ़ी अच्छी है और एक ही मतलब कंपार्टमेंट से हम हर एक कंपार्टमेंट को अटैच है इसमें, और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं इसमें। और सबसे अच्छा है कि इसमें डोर के लिए आपको ऑटोमेटिक क्लोज, ऑटोमेटिक ओपन होते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है इसमें। इसमें सभी कुछ फुली ऑटोमेटिक ही है, इसमें जो भी चीजें हैं वो सेंसर के थ्रू है, अगर इसको आप पुश करोगे तो इसी से ओपन होती है और इसी से क्लोज होगी, बाकी पता नहीं अभी क्लोज तो नहीं हुई है, वैसे ओपन यहीं से हुई है ये। तो कितने इसमें कितने डिब्बे हैं पूरे? तो अभी जो इसमें बताए जा रहे हैं 14 डिब्बे हैं और एक से लेके 78 तक जो है इसमें पैसेंजर आएंगे, 78 सीट्स हैं एक डिब्बे में। और ये हमारा भाई प्रशांत मिल गया हमें यहाँ पे, ट्रेस हो गया, ट्रेस हो गया, लेके मैं हूँ इसे। अच्छा, चंडीगढ़ से आप इसी में आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहा आपका सफर इसमें? बहुत बढ़िया, मजा मजा आ गया पूरा, पूरा एसी चल रहा है, ठंडा ठंडा कूल कर रहा है सब कुछ, ठंड लग रही थी, ठंड लग रही थी, फिर तो रजाई लेके आना चाहिए था आपको। तो ये भाई हमारा फर्स्ट ट्रिप लगा के आ गए हैं इसमें। कूलिंग तो काफी अच्छी है ना?
मजा आएगा ना। तो भाई इसमें खाने में क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, मिलता है इसमें खाना भी है ये नहीं? हाँ खाना नहीं है इसमें, आइसक्रीम है इसमें। कानू ये सारी ट्रेन जो है ये इंडिया में ही बनी हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये ट्रेन आंब में आई है। तो ये दोनों तरफ जो है इसके इंजन है। जो इंजन के साथ में डिब्बा है उसमें 44 कस्टमर के लिए जगह है और बाकी में 78 कस्टमर आ सकते हैं। तो ये रहा इसका सेकंड साइड, फ्रंट साइड आपको दिखा दिया। आप ये इसकी दोनों तरफ अगर इधर को जाएंगे तो ये इसका दूसरी साइड है। ये दूसरी ट्रेन भी आ चुकी हुई है दूसरे ट्रैक पे। तो ये है अपनी नंगल डैम अंबाला, ये ट्रेन आ चुकी है। तो ये क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ से ब्रिज फ्लाईओवर बनाया हुआ है। तो यहाँ से ट्रेन अगर उधर को जाना है तो ये अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन के लिए, तो ये फ्लाईओवर भी यहाँ पे बना दिया गया है। अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन, तो आप देख सकते हैं ये है हमारी वंदे भारत ट्रेन, बहुत खूबसूरत ट्रेन है ये। चलो चलते हैं यार। ये क्या रहा है? और अब हम चलते हैं। इंडिया में ये जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं ये चार चली हैं अभी। जो फोर्थ वाली है वो हमारे दिल्ली टू हिमाचल में जो हमें मिली है ये वाली ट्रेन। तो बाकी की जो हैं वो है न्यू दिल्ली टू वाराणसी और न्यू दिल्ली टू वैष्णो माता के लिए एक। जो थर्ड वन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस गांधीनगर टू मुंबई। तो जो फोर्थ वाली है वो है दिल्ली टू हिमाचल उन अम्बंदौरा के लिए है जो। तो इसकी जो मॉर्निंग टाइम्स हैं वो दिल्ली से वो है 5:50 AM ये दिल्ली से चलेगी। उसके बाद जो अंबाला कैंट में 8 बजे अंबाला कैंट में पहुंच जाएगी और उसके बाद जो चंडीगढ़ में 8:40 AM पे पहुंच जाएगी और उसके बाद जो आनंदपुर साहब में 10 बजे अराइव करेगी और उसके बाद रुकेगी ऊना रेलवे स्टेशन में 10:34 पर और उसके बाद लास्ट जो स्टेशन होगा इसका अम्बंदौरा है वहाँ पर है 11:05 पर जो इसकी टाइमिंग्स हैं। और जो रिटर्न में जब वापस जाएगी यहाँ से तो इसका टाइम है 1 बजे अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन से और उसके बाद 1:21 पे ये ऊना रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी और उसके बाद जो आनंदपुर साहिब में जो 2:08 पर पहुँच जाएगी और उसके बाद चंडीगढ़ का स्टॉपेज है इसका तो वो 3:25 पर चंडीगढ़ पहुँच जाएगी और उसके बाद जो इसका अम्बाला पहुँचेगी वो 4:13 पर अम्बाला रेलवे स्टेशन पर होगी और उसके बाद जो लास्ट स्टेशन है इसका वो है दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ पे पहुँचेगी 6:25 पर।
और अब आगे बात इसके फेयर्स की, तो फेयर्स में आपको बता दो टाइप के फेयर हैं। एक आता है अपना चेयर कार बोलते हैं, और एक आता है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें जो आपको कैटरिंग वगैरह इसमें इंक्लूड होगी, और अगर उसका कैटरिंग विद या कैटरिंग और विदाउट कैटरिंग है, आप में दोनों में से ऑप्शन है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसको कर सकते हो। अगर विद कैटरिंग करना है आपको तो 2045 जो है इसका फेयर होगा, और अगर विदाउट कैटरिंग करना है आपको तो 1890 होगा, और चेयर कॉस्ट जो है उसका नॉर्मल प्राइस है 1075 अगर आप विद कैटरिंग करते हैं उसको, और विदाउट कैटरिंग करते हैं उसको तो 955 करके है ये। तो बाकी आप इसमें जाएं और इसका आनंद लें, काफ़ी अच्छा अनुभव है। एक मेरा फ्रेंड अभी जाके आया, उसने बताया कि एसी ट्रेन है, फुली एसी है और सब जगह से बंद होती है, इसमें कोई ओपन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे बाकी ट्रेन में होता है ओपन हो जाए कुछ हो। अच्छा है और नई ट्रेन है तो बेहतर है। तो हो सके तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार इसी तरह बढ़ाते रहें, और मेरे YouTube चैनल पे जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसे देखें और अपना मज़ा लें।